आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि जीवन में हमें जो भी चीज़ मिल जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। इसी बात को यदि इकोनॉमिक्स में हम कहें तो हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ की सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम माहेश्वरी और आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो के आगे इसको चलाते हैं। उसमें हमने बात की थी यूटिलिटी के बारे में, उपयोगिता के बारे में, और वहाँ हमने कहा था कि उपयोगिता को मेज़र या मापा नहीं जा सकता, यानी 1, 2, 3 में इसको काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की वीडियो में जो गॉसेन ने कहा, जेवेंस और वालरस और मार्शल ने कहा, उनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है। जब इस कॉन्सेप्ट को शुरू में दिया गया था, जैसा कि गॉसेन ने सबसे पहले 1854 में दिया, उस टाइम उन्होंने इसको मेजरेबल माना। उन्होंने ये माना कि इसको यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। बाद में मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया और उन्होंने भी ये माना कि यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यूटिलिटी से रिलेटेड दो लॉज हैं। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम कहते हैं घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। ये नियम ये कहता है, यदि इसको सिंपल शब्दों में समझें तो ये कहता है कि किसी भी चीज़ को जिसको आप लगातार एक एडिक्वेट, एक अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसकी सेम इंटरवल भी सेम होना चाहिए, तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है या उसकी उपयोगिता, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घटती हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको बहुत भूख लगी है, आप खाना खाना शुरू करें, पहली चपाती खाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत यूटिलिटी मिलेगी। सेकंड पे थोड़ी सी पहले वाली से कम, थर्ड तक आते आते आपका पेट भर जाता है, और यदि आपको ज़बरदस्ती आपकी मम्मा चौथी रोटी भी खिला दे और पांचवी रोटी भी खिला दे तो ये हो सकता है कि आपका पेट फूल जाए या आपका पेट खराब हो जाए, राइट? तो इसको ही कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। इस नियम को समझने से पहले, इसके आगे एक्सप्लेन करने से पहले इसके अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। तो अजम्पशंस वो होती हैं जिसके बिना कोई भी नियम जो है वो प्रूव नहीं किया जा सकता या साबित नहीं हो सकता। तो रैशनैलिटी, इकोनॉमिक्स में पहले भी मेरी कुछ वीडियोज़ में इस बात का जिक्र हुआ है कि रैशनैलिटी या अपने भले और बुरे का या अपने फ़ायदे और नुकसान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यानी जिसको जो रैशनल होगा वही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डाउन जाएगी, और जो पागल है उसकी तो अब क्या मार्जिनल यूटिलिटी की बात करो। तो यानी कि अ पर्सन शुड बी रैशनल। दूसरी कि यूटिलिटी मार्जिनल कार्डिनल नंबर्स में मापी जा सकती है, 1, 2, 3 में हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि किसी भी चीज़ को जब मापना है, जब हम यूटिलिटी को मापने ही लग गए तो कोई ना कोई यार्ड स्टिक होनी चाहिए, मेज़रमेंट की कोई इकाई तो चाहिए। किलोमीटर्स को आप डिस्टेंस मेज़र करनी होती है तो मीटर या किलोमीटर यूज़ करते हैं, जब वेट काउंट करना होता है तो आप किलोग्राम्स ग्राम्स की बात करते हो। तो अब यूटिलिटी मेज़र करनी है, अपनी उपयोगिता को मेज़र करना है, तो मार्शल ने यहाँ पे मनी को रख लिया कि मनी से हम मार्जिनल यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उसके लिए ये मानना ज़रूरी है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उसको कांस्टेंट मानना ज़रूरी है। जैसे हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए फिर कैसे मेज़र करोगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी यूटिलिटी को हमने कांस्टेंट या बराबर समान या एक निश्चित मान लिया, ठीक है। फिर कंटिन्यूस एंड सूटेबल अमाउंट होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि आप मैंगो का एग्जांपल हमने लिया है, यदि एक मैंगो डेली खाओगे आपकी यूटिलिटी कभी भी डाउन नहीं जाएगी, चाहे आप सारी उम्र खाते रहें। लेकिन मैं यदि आपको हर आधे घंटे बाद एक मैंगो दे दूँ तो आप 5 या 7 से ज़्यादा नहीं खा सकते, यूटिलिटी आपकी 1 के बाद ही डाउन जानी शुरू हो जाएगी।
होमोजेनिटी एक जैसा होना चाहिए, यूँ ना हो कि एक एक चम्मच करके मैं आपको आइसक्रीम खिला रही हूँ, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डाउन नहीं जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, यानी बाकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस, इनकम, सीजन, फैशन या जो है टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट, वो सारे हमने क्या मान लिए, कांस्टेंट। जैसे कि इकोनॉमिक्स में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पक्का ही है बेटा, यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो ये मान के चलो कि स्टैचू गेम खेल रहे हो। स्टैचू में क्या होता है, बाकी सब चीज़ों को स्टैचू कर देते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो तो बाकी चीज़ों को क्या कर देना है, स्टैचू, यानी कि वो सब रहेंगी कॉन्स्टेंट। तो उसी को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं सेटरिस पेरिबस। अब आप फटाफट से देख लें, लेट हो गया हमारा थोड़ा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये है गॉसेन का फर्स्ट लॉ, इसी को ही गॉसेन ने पहली बार दिया था, इसलिए इसको गॉसेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं तो भी आपने यही लिख के आना है। ये मैंगो है, मैंगो से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती जा रही है ना। पहले फर्स्ट मैंगो खाया 10 के बराबर, सेकंड से 8 के बराबर, और थर्ड और फिफ्थ मैंगो, पांचवा मैंगो खाते खाते आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो। जीरो यानी सेचुरेशन पॉइंट, कि बस इससे आगे कुछ नहीं। पर फिर भी यदि सिक्स मैंगो भी आप लालच करके, मान लीजिए मेरी तरह आप भी लालची हैं, तो यदि आप खा जाते हो तो क्या होगा, वॉमिट्स। टोटल यूटिलिटी क्या है, आप इस सब को जोड़ेंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी तो टोटल भी 10 थी, क्योंकि यूनिटी कोई और नहीं थी। जब दो मैंगो हो गए तो 10 और 8 18 टोटल यूटिलिटी होगी। इसी तरीके से तीसरे से पाँच का और एडिशन हुआ तो 23 होगी। जीरो पे आके टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर क्या होती है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम है वहाँ पे टोटल क्या हो जाएगी, हाईएस्ट। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और यहाँ पे आके घटना शुरू कर देती है। सेम चीज़ हमने यहाँ बनाई है। यहाँ हमने ये भी बता रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी को आपने कैसे मेज़र करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, यानी कि मान लीजिए सेकेंड यूनिट की आपने मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट यानी कि कितनी है, टोटल यूटिलिटी एन यूनिट की, ये हो गया आपका टी यू एन, ये कितना है, 18। ठीक है, और एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या होगा, एन इक्वल्स टू टू है तो 2 माइनस वन इज 1, यानी कि फर्स्ट मैंगो से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, 10। तो 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, 8 के बराबर। ये बहुत सिंपल है, देखने में यूँ लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल है कि आपने, आपकी टोटल यूटिलिटी 18 थी है ना, पिछले वाले की यूटिलिटी आपने माइनस कर दी तो इस बार वाले की यूटिलिटी आ गई। सिंपल है बहुत ही, थोड़ा सा गौर से देखोगे समझ आ जाएगा। ये देखिए टोटल यूटिलिटी इस साइड ली है हमने और ये लगातार बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप अगला मैंगो खाते जाओगे। कब तक, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो से ज़्यादा है तब तक ये इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे आ जाएगी तो ये टोटल यूटिलिटी घटना, मैक्सिमम होके घटना शुरू कर देगी। तो ये था सिंपल नियम, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस में आ जाता है, हॉबीज़ आ जाती हैं, हॉबीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डाउन नहीं होती। जिस चीज़ का शौक है वो बार 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 अच्छा लगता है। शराबी को, शराब यानी एडिक्शन वाले को यदि अगली यूनिट दोगे, अगला आइटम दोगे तो उसको अच्छा लगेगा। शराबी को एक शराब की बॉटल और दे दी तो ही विल बी हैप्पी। तो इसी तरीके से जिसको पैसे इकट्ठे करने का शौक हो जाता है, वो खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको कोई किसी अगली यूनिट से यानी अगले 100 या 500 या 2000 से कभी भी उनकी यूटिलिटी डाउन नहीं जाती। तो ये हैं इसके एक्सेप्शन या अपवाद जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डाउन नहीं जाती। यदि इसके क्रिटिसिज्म की बात करें, आलोचना की बात करें, तो इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियाँ हैं। देखो जब भी किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसमें नेचुरल है कुछ कमियाँ भी रह जाती हैं। तो सबसे पहली बात है कि कार्डिनल नहीं होती यूटिलिटी को, जैसे प्यार को मेज़र नहीं किया जा सकता, नफ़रत को मेज़र नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से संतुष्टि को। आप ये कह सकते हो कि मेरा लेक्चर ठीक था या ख़राब था, ठीक है,
पर आप हर जगह नंबर देने नहीं बैठ जाओगे कि इसको 10 में से मैं 5 देता हूँ कि 8 देता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो कार्डिनल नहीं होती है यूटिलिटी, फिर ना ही मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, एक अमीर व्यक्ति के लिए 10 रुपये की वैल्यू और एक गरीब बच्चे के लिए 10 रुपये की वैल्यू बराबर कैसे हो सकती है? तो इसलिए ना ही कॉन्स्टेंट होती मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और फिर यदि ये सूटेबल और कंटिन्यूस ना हो अमाउंट, तो भी मार्जिनल यूटिलिटी डाउन नहीं जाएगी। और इन चीज़ों में जिनमें हम जिनको हमने स्टैचू कर दिया था, वो चीज़ें भी रियल लाइफ में मूव ऑन करती रहती हैं। तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी का ये जो लॉ है, उस तरीके से सच नहीं है, लेकिन यदि रियल लाइफ में आप इसको देखो तो ये काफ़ी हद तक सच है। और ये वाकई सच है कि मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते जाओगे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी या उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी। तो आपको समझ आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।